नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र उपाध्याय शारदा एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी मेरे भाई लाइव आ जाइए, आपकी जो क्लास है वो शुरू कर दी गई है। आज जो क्लास होने वाली है मेरे मुन्नियों, बहुत जानदार चैप्टर की शुरू होने वाली है और जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे थंबनेल में, उसका नाम है बेटा सिलोजियम मतलब न्याय निगमन, ठीक है ना। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा और जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आपकी क्लास शुरू होने वाली है मेरे मुन्नियों, जल्दी से शेयर कर दीजिए बेटा। बिल्कुल भाई, क्लास को जल्दी से लाइव कर दीजिए मेरे बेटा, सभी पर शेयर कर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट लगा रहा हूं बस, और जल्दी से एक बार सभी तक ये क्लास पहुंचा दीजिए क्योंकि आज की जो क्लास है वो धमाकेदार होने वाली है। आज बहुत सारी बातों को मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए मेरे मुन्नियों क्लास को जो भी आपके भाई बंधु हैं वहां तक पहुंचा दीजिएगा भाई, ठीक है ना। आज मैं प्रश्न भी लेके आया हूं जो प्रीवियस ईयर के हैं सिलोजियम के, तो एक बार सभी भाई एक बार शेयर करिए भाई, जो भी आपके मोबाइल में ग्रुप है उन सभी में आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और फिर आराम से बैठ करके क्लास लीजिएगा बेटा, ठीक है ना। तो एक बार सभी मेरे मुन्ने आ जाइए बेटा लाइव, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज जो क्लास होने वाली है वो सिलोजियम की है बेटा, न्याय निगमन की क्लास है, ठीक है ना। अब इस क्लास को हम शुरुआत करते हैं और अच्छे से समझिएगा, पहले कॉन्सेप्ट की बात करता हूं फिर मैं क्वेश्चन के ऊपर बात करूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही क्या होता है, राज होता है मेरे मुन्ने, वही क्या है बेटा, राज। तो चैप्टर का नाम है बेटा न्याय निगमन, ठीक है ना। चैप्टर का जो नाम है बेटा वो है न्याय निगमन, ठीक है ना। हाँ भाई, सभी लाइव आ जाए मेरे मुन्नियों, बस क्लास की हम शुरुआत करने जा रहे हैं और आज के चैप्टर की जो है शुरुआत बस होने ही वाली है। एक बार सभी सेशन को लाइक कर दीजिए, लाइव कर दीजिएगा और आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं भाई। हाँ जी, चलिए भाई देखिए मेरे मुन्ने आज की क्लास में क्या होने वाला है वो समझिएगा। तो देखो सबसे बात है कि न्याय क्या है, तो मैंने न्याय के बारे में बताना है और निगमन क्या चीज है, ठीक है ना। निगमन क्या चीज है भाई, तो देखो निगमन माने होता है सिद्ध करना, ठीक है ना। निगमन क्या होता है बेटा, सिद्ध करना या हम कह सकते छानना, ठीक है। दूसरा होता है न्याय, तो न्याय का मतलब होता है सही और गलत का फैसला करना, सही और गलत, गलत का फैसला करना ही क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। फैसला करना ही क्या कहलाता है मेरे मुन्नियों, न्याय कहलाता है। तो दो चीजें बेटा, एक है आपका न्याय और एक है आपका निगमन शब्द, ठीक है ना। दो ही शब्द आपके सामने आएंगे। अब आप समझिएगा इस बात को, इसमें क्या क्या करना है, क्या क्या समझना है और जो समझने की चीज है उस पर हम ध्यान देते हुए चलेंगे बेटा। तो यह बात आपकी समझ में आएगी, न्याय क्या है और निगमन क्या है। तो देखो इसमें न्याय निगमन की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें चार शब्द जो है बहुत फेमस रहते हैं, ठीक है ना, कथन के रूप। पहली बात तो आप दो चीजों को समझिए, एक चीज होती है कथन, इसको कहते हैं स्टेटमेंट, ठीक है ना, और एक चीज होती है आपका निष्कर्ष, ठीक है ना, निष्कर्ष। अब आप समझेंगे कथन क्या चीज है और निष्कर्ष क्या चीज है। कथन माने कहा है, कही गई बात, कथन को हम कहते हैं कही गई बात, जो कही गई बात है उसको क्या कहते हैं, कथन कहते हैं बेटा। निष्कर्ष क्या होता है, दिए गए तर्क, दिए गए तर्क। तो दिए गए तर्क क्या होते हैं बेटा, वो निष्कर्ष के रूप में आते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, निष्कर्ष कहते हैं, ठीक है ना। कथन के जो टाइप हैं वो चार टाइप हैं मूल रूप से। कितने टाइप है मेरे मुन्नियों, चार टाइप से हम कहते हैं। पहला होता है सभी, इसको हम कहते हैं ऑल, ठीक है ना। दूसरा होता है कुछ, इसे हम कहते हैं सम, ठीक है ना। अगला होता है बेटा कोई नहीं, कोई नहीं, इसको हम कहते हैं नो, और कहते हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं, इसको कहते हैं बेटा सम नॉट, इसको क्या कहते हैं मेरे मुन्नियों, सम नॉट कहते हैं, ठीक है ना। तो कथन के जो टाइप होते हैं वो चार टाइप होते हैं। एक शब्द आता है इसमें सभी, दूसरा शब्द आता है कुछ, तीसरा शब्द आता है कोई नहीं,
और एक आता है आपका शब्द कुछ भी नहीं, ठीक है ना। निष्कर्ष का कोई टाइप नहीं होता, निष्कर्ष में इन्हीं शब्दों का कुछ अधिक अलग तरह से रिपीटेशन होता है, ठीक है ना। ये सब कही गई बातें हैं कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये सभी निष्कर्ष के रूप में आती हैं, ठीक है ना। अब इसमें से हम एक एक बात को समझते हैं कि ऑल क्या चीज है, सम क्या चीज है, कोई नहीं क्या चीज है और कुछ नहीं क्या चीज है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं ऑल की बेटा, ठीक है ना, जिसको कहते हैं सभी। ऑल की बात करता हूं और इसको कहते हैं हम सभी। जब कथन में आपको ऑल दिया हो, ठीक है ना, कथन में क्या शब्द दिया हो, कथन में जब ऑल शब्द दिया हो, ठीक है ना। जैसे कथन क्या होगा, कथन में लिखा होगा सभी सभी ए बी हैं। कथन में क्या लिखा होगा बेटा, सभी ए बी हैं, ठीक है ना। इसको ही आप कहिएगा ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है बेटा, बी हैं। कथन में लिखा होगा सभी ए क्या हैं, बी हैं। इसके लिए डायग्राम कैसे बनाते हैं बेटा, तो पहले ए लिखेंगे अंदर और सारे के सारे ए क्या हैं, बी हैं, तो बी को लिखेंगे हम बाहर, ठीक है ना। ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो सभी ए बी हैं। इसके लिए जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें सही क्या क्या होगा वो समझिएगा। तो पहला निष्कर्ष कौन सा सही होगा ये समझिएगा, निष्कर्ष की मैं बात करता हूं, निष्कर्ष कौन कौन से सही होंगे। तो पहला निष्कर्ष क्या होगा, पहले निष्कर्ष की बात करते हैं मेरे मुन्नियों। तो सबसे पहला जो निष्कर्ष होगा इसमें वो होगा सभी सभी ए बी हैं। दूसरा जो निष्कर्ष होगा मेरे मुन्नियों वो होगा सभी कुछ ए, आपसे कहेगा कुछ ए बी हैं। और तीसरा जो निष्कर्ष होगा मेरे मुन्नियों वो होगा कुछ बी ए हैं, ठीक है ना, कुछ ए बी हैं। देखो रीस्टेटमेंट की मैं अभी बाद में बात करूंगा, रीस्टेटमेंट कहां सही होगा कब सही होगा उसकी आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझिएगा कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही माने जाएंगे। पहला सही माना जाएगा बेटा सभी ए बी हैं, दूसरा सही माना जाएगा कुछ ए बी हैं, और तीसरा जो सही माना जाएगा वो कुछ बी ए हैं। केवल यही स्टेटमेंट क्या माने जाएंगे, सही माने जाएंगे। इसके अलावा कोई भी स्टेटमेंट आपको दिखे उसको आपको गलत कहना है बेटा। इसके अलावा जितने भी आपके कंक्लूजन्स हैं वो सभी के सभी गलत माने जाएंगे। जैसे कि अगर मैं कहूं कि गलत कौन कौन से माने जाएंगे, तो आपसे अगर कहने लगे आपसे अगर कहने लगे कि जी कुछ ए बी नहीं है, ठीक है ना, ये भी क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। दूसरा कुछ बी ए नहीं है, ये भी क्या माना जाएगा बेटा, गलत माना जाएगा। तीसरा कोई ए बी नहीं है, ये भी क्या माना जाएगा बेटा, गलत माना जाएगा। और चौथा जो है वो है बेटा कोई भी ए नहीं है, ये भी क्या माना जाएगा मेरे मुन्नियों, ये भी गलत माना जाएगा। मतलब आप कहेंगे कि चारों के चारों जो कंक्लूजन्स हैं वो कैसे माने जाएंगे, गलत माने जाएंगे। इस स्थिति में जब डायग्राम क्या हो, सभी ए बी हो, तो उसमें केवल ये तीन सही माने जाएंगे, बाद बाकी ये चार के चारों क्या माने जाएंगे, गलत माने जाएंगे। ध्यान रखिएगा कौन से स्टेटमेंट सही माने जाएंगे और कौन से स्टेटमेंट गलत माने जाएंगे। अगली बात करता हूं बेटा मैं कुछ की, ठीक है ना। अगली बात करता हूं कुछ की, जिसे हम कहते हैं सम। इसकी क्या बात करनी है तो इसको भी समझ लीजिएगा। इसके लिए जो कथन होगा कुछ इस प्रकार होगा बेटा, इसके लिए जो कथन होगा कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। कथन में क्या लिखा जाएगा उसको समझिए। कथन में लिखा जाएगा कुछ ए बी हैं। कथन में लिखेंगे कुछ ए क्या है बेटा, बी हैं। अब इनमें सही कौन कौन से माने जाएंगे वो आपको समझना होगा, ठीक है ना। तो देखिए मेरे भाई, इसमें जो निष्कर्ष होंगे मेरे भाई, हाँ जी, निष्कर्ष जो माने जाएंगे बेटा, जो सही माने जाएंगे निष्कर्ष, वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहला निष्कर्ष माना जाएगा सही, कुछ ए बी हैं। और दूसरा माना जाएगा बेटा कुछ बी ए हैं। केवल ये दो निष्कर्ष ही सही माने जाएंगे, बाकी इसके बाद जो भी निष्कर्ष आपको दिख जाए वो गलत माना जाएगा। जैसे कि इसके अलावा क्या क्या दिख सकते हैं उसको समझ लीजिएगा। इसके अलावा जो निष्कर्ष दिख सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहला निष्कर्ष तो यही होगा बेटा। पहला निष्कर्ष क्या होगा कि कुछ
ए बी नहीं है, यह क्या माना जाएगा? यह माना जाएगा आपका गलत कंक्लूजन। सेकंड बेटा, कुछ बी ए नहीं है, यह भी क्या माना जाएगा बेटा? यह भी गलत माना जाएगा। तीसरा बेटा, कोई ए बी नहीं है, यह भी क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। और चौथे की बात करता हूं बेटा, कोई भी ए नहीं है, यह भी क्या माना जाएगा? तो आप कहेंगे यह भी गलत माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट जो आपको दे रखे हैं, ये सभी क्या माने जाएंगे? गलत माने जाएंगे। और स्टेटमेंट जो इसमें सही माने जाएंगे, वो केवल ये दो ही स्टेटमेंट ऐसे होंगे जो कि इसमें सही माने जाएंगे। एक बार इसको कॉपी करिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं मेरे बन्ने। हाँ बेटा, बताइए भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये कुछ का रिलेशन मैंने बताया और ये बताया मैंने सभी का रिलेशन बेटा, ठीक है ना। ये दो रिलेशन मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किए। अब मैं बात करता हूं तीसरे रिलेशन की, ठीक है ना, जो होगा आपका कोई नहीं, ठीक है ना। तो आपके सामने जो रिलेशन रख रहा हूं बेटा, वो होगा आपके सामने कोई नहीं का रिलेशन, ठीक है ना। हाँ ठीक, कोई नहीं का रिलेशन, कोई नहीं, ठीक है ना। इसको कहते हैं नो का रिलेशन। ये किसका रिलेशन है बेटा? नो का। नो के रिलेशन में कौन कौन से सही होंगे और कौन कौन से गलत होंगे, वो हमें समझने होंगे। तो सबसे पहली बात आइए, कथन किस प्रकार लिखा होगा उसको देखिए। कथन में लिखा होगा बेटा, कथन में लिखा होगा कोई ए बी नहीं है, ठीक है ना, कोई ए बी नहीं है। अब इसमें निष्कर्ष कौन कौन से सही होंगे ये देख लीजिएगा। निष्कर्ष की अगर मैं बात करूं मेरे मुन्नियों, तो इसमें जो सही निष्कर्ष होगा वो कौन कौन से होंगे ये देख लीजिए आप। तो देखिए, सबसे पहला जो निष्कर्ष सही होगा वो सही होगा कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। दूसरा जो सही होगा बेटा, कोई भी ए नहीं है, यह भी आपका सही माना जाएगा। तीसरा जो होगा मेरे बन्ने, वो होगा कुछ ए बी नहीं है, यह भी कैसा माना जाएगा? सही माना जाएगा। चौथा जो होगा वो होगा कुछ बी ए नहीं है, यह भी कैसा माना जाएगा बेटा? सही माना जाएगा। ये चारों के चारों स्टेटमेंट कैसे माने जाएंगे? सही माने जाएंगे। कौन सी स्थिति में? कोई नहीं वाली स्थिति में। इसके अलावा जो भी बनेंगे वो सभी क्या माने जाएंगे मेरे बन्ने? गलत माने जाएंगे। मैं कमेंट आज पढ़ नहीं पड़ा बेटा। हाँ भाई, जल्दी से बताइए, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये स्थिति है बेटा कोई नहीं की, ठीक है ना। तो यही तीन स्थितियां मूल रूप से होती हैं सभी सिलोजियम के अंदर, ठीक है ना। इसी स्थितियों को समझते हुए हमें चलना है और इन्हीं स्थितियों पे डटे रहना है बेटा, ठीक है ना। हाँ, इन्हीं स्थितियों पर हमें क्या करना है? डटे रहना है और इन्हीं स्थितियों को हमें सीखना है। चलिए भाई, बिल्कुल विकास कुशवाहा, जय श्री कृष्ण मेरे भाई, जय श्री कृष्ण। सत्यम भाई, अच्छा, हरविंद्र सिंह, हेलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। पूजा ऑफिशियल, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चले बेटा आगे, और इन्हीं पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षाओं पर, उन प्रश्नों पर हम बात कर लेते हैं। कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में अक्सर बनेंगे? तो देखिए मेरे भाई, कौन कौन से प्रश्न हैं जो इस पर बनते रहेंगे? हाँ जी, देखो मेरे मुन्ने, मैं बात करता हूं सबसे पहले प्रश्न की, और पहले प्रश्न पर आप अनुमान लगाइएगा। इस तरीके से प्रश्न आपके सामने दिया होगा पेपर में, ठीक है ना। पेपर में जो प्रश्न होगा बेटा, कुछ इस प्रकार से दिया होगा आपके सामने, ठीक है ना। ये पहला प्रश्न है आज का। सोनू कुशवाहा, राम राम भैया, राम राम मेरे भाई, राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यह पहला प्रश्न है आपके सामने, आपसे कह रहा है, देखो एसएससी में आया हुआ प्रश्न है 2022 में,
और प्रश्न क्या कह रहा है आपसे उसको समझिएगा। आपसे कथन में कहा गया है, कथन क्या कह रहा है कि कुछ आलू प्याज हैं और कुछ प्याज टमाटर हैं, ठीक है ना। तो देखिए कैसे बनाना है उसको समझिएगा कि ये हो गया कुछ आलू, ये भाई आलू, ठीक है ना, और ये आलू जो हैं वो क्या हैं, कुछ प्याज हैं। तो ये किसका होगा बेटा, ये हो जाएगा प्याज का, ठीक है ना। आगे कह रहा है कुछ प्याज क्या है, टमाटर हैं। कुछ प्याज जो है वो काटते हुए किसको जाएगी, टमाटर को, टमाटर है, ठीक है ना। ये डायग्राम बनेगा तीनों में कुछ का, सही है ना। अब अगर ये डायग्राम बन गया तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही माने जाएंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। इनमें से किसी के बारे में पूछे, जैसे कुछ टमाटर आलू है, टमाटर और आलू के बारे में पूछ रहा है, टमाटर और आलू के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्या आपको कोई संबंध दिख रहा है इसमें टमाटर और आलू में, तो आप कहेंगे कि आलू और टमाटर में कोई संबंध नहीं, हां आलू और प्याज में संबंध है, टमाटर और प्याज में संबंध है, लेकिन आलू और प्याज में कोई संबंध, आलू और टमाटर में कोई संबंध नहीं है। अगर इनमें संबंध नहीं दिया है तो हम अपनी तरफ से कोई संबंध निकालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे बेटा। जैसे ही आपने संबंध निकालने की कोशिश की, तुरंत आपका जो कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आपको देखना है कि आलू और टमाटर में अगर कोई संबंध नहीं है तो आप कहेंगे कि साहब इसमें क्या कह रहा है निष्कर्ष में कि कुछ टमाटर आलू हैं, कुछ टमाटर क्या है आलू हैं, तो आप कहेंगे कि यह बात बिल्कुल क्या है, गलत है। ये कैसी बात है, गलत है, क्योंकि इनमें के बीच में क्या है, कोई संबंध है ही नहीं, तो हम अपनी तरफ से संबंध नहीं निकालेंगे। अगला कह रहा है कि कोई भी टमाटर आलू नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत जाएगा। ये क्यों गलत जाएगा कि अगर बेटा कथन अच्छे से सुन लीजिएगा, ये मैं बात बताने जा रहा हूं, अगर कथन पॉजिटिव है, कैसा है बेटा कथन क्या है, पॉजिटिव है। अगर कथन पॉजिटिव है तो नेगेटिव निष्कर्ष कोई भी हो बेटा वो सही नहीं माना जाएगा, नेगेटिव निष्कर्ष कोई भी हो वो सही नहीं माना जाएगा। अच्छे से समझ लीजिएगा इस बात को, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि कथन कैसे यहां पे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव निष्कर्ष जो भी होगा वो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। अर्थात अब आप क्या कहेंगे, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या गए, गलत गए, ठीक है ना। दोनों स्टेटमेंट कैसे बेटा, गलत है। इसलिए ऑप्शन कौन सा लगाओगे ये बताइए, तो आप बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन लगाएंगे। पहला ऑप्शन है केवल सेकंड अनुसरण करता है, बिल्कुल भाई आपसे कह रहा है कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, बिल्कुल सही। या तो निष्कर्ष फर्स्ट, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, यह बात बिल्कुल सही है। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। तो देखो यहां बात लग गई या की, तो या तो की कंडीशन क्या रहती है उसको समझ लीजिएगा। या तो की कंडीशन यह कहती है बेटा कि एक तो पॉजिटिव होना चाहिए कथन, निष्कर्ष कंक्लूजन जो निष्कर्ष है वो क्या है, या तो की कंडीशन में बता देता हूं आपके सामने प्रश्न के साथ, ये समझिए, ये रहा बेटा प्रश्न, ठीक है ना। और ऑप्शन में या तो की कंडीशन लग रही है, वैसे तो ये दोनों गलत हैं, लेकिन ऑप्शन में क्या है, या तो की कंडीशन लग रही है। तो समझिए बेटा पहली बात, या तो की कंडीशन कब लगती है उसको भी समझ लीजिएगा। या तो वाले में अलग कराने वाला था, लेकिन जब प्रश्न आ गया तो उसको समझ लीजिए। या तो की कंडीशन जब लगती है बेटा, जब निष्कर्ष किस प्रकार का हो, निष्कर्ष के लक्षण आप देख लीजिए। पहला लक्षण क्या है कि एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। कथन क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। सेकंड बात यह है कि दोनों या तो सही होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, या तो सही होने चाहिए या गलत होने चाहिए, या तो दोनों सही होने चाहिए या दोनों ही गलत होने चाहिए, ठीक है ना। ये किसकी कंडीशन बता रहा हूं मैं, या तो की, या तो दोनों सही होने चाहिए या गलत होने चाहिए। तीसरी कंडीशन बेटा, दोनों निष्कर्ष एक दूसरे पर निर्भर होने चाहिए, एक दूसरे पर निर्भर होने चाहिए, निर्भर होने चाहिए, ठीक है ना, तब या तो की कंडीशन लगती है, तब या तो की कंडीशन आपके सामने निकल के आती है। अब देखो आपने कहा कि पहला निष्कर्ष यह भी गलत है और दूसरा भी क्या है, यह भी गलत है, ठीक है ना। दोनों कैसे गलत होने चाहिए, दोनों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए,
ठीक है ना। देखो यहां भी टमाटर आलू की बात कर रहा है और यहां भी टमाटर आलू की बात कर रहा है, दोनों निष्कर्ष गलत हैं और दोनों में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए पॉजिटिव है तो ये क्या है, नहीं लग रहा है, नेगेटिव है। जब ऐसी कंडीशन बनती है बेटा तो हम या तो की कंडीशन लगाते हैं, इसमें जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा या तो फर्स्ट या तो सेकंड अनुसरण करता है, सेकंड अनुसरण करता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन इज राइट दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा साफ प्रश्न, पहले तो मुझे ये बता दीजिए, दिख रहा है बेटा साफ प्रश्न, आलू टमाटर दिखने चाहिए, बात बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल दिख रहा होगा, इसलिए इसका आंसर टिक लगा दीजिए बेटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है ना। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, अगर यहां लिखता कि पहले और दोनों दोनों ही गलत हैं तो वो भी सही होता, वो भी सही होता, लेकिन या तो की कंडीशन दे दी है तो या तो की कंडीशन के लिए ये दोनों कैसे हैं, सही माने जाएंगे, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे मुन्ने, ये बता दीजिए। बिल्कुल बेटा विकास, विकास जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास सिंह कह रहे हैं गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए और मुझे बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। ये प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बताइए मेरे मुन्नियों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। राधा उपाध्याय भैया नमस्कार, नमस्कार बेटा नमस्कार। सोनू कुशवाहा राम राम भैया राम राम। कमेंट करते रहिए मेरे मुन्नियों, सभी कमेंट करते रहिएगा और समझते रहिएगा प्रश्नों को, और मुझे बताइए कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, एक बार मुझे ये और बताते चलिएगा आप, ठीक है ना। हां भाई अगर साफ साफ दिख रहा हो, थोड़ा धुंधले भी क्वेश्चन दिख रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें कथन पढ़ना है और निष्कर्ष पढ़ना है, ये दो ही काम के तुम्हारे, ठीक है ना, केवल दो ही काम की चीजें हैं, कथन को पढ़िए और उसका निष्कर्ष देखिए। आपसे कह रहा है कुछ मक्खन शहद हैं, तो बेटा ये क्या है, मक्खन है, ये क्या है मक्खन, और कुछ मक्खन क्या है शहद हैं, बहुत बढ़िया सा। कुछ शहद ब्रेड हैं, ये कुछ शहद है ना बेटा वो क्या है, ये ब्रेड है। कुछ शहद क्या है बेटा, कुछ शहद ब्रेड है। अब आपसे कह रहा है कि सभी ब्रेड जैम है, जितने भी ब्रेड हैं वो क्या है बेटा, वो है आपके जैम, ये जैम है। ये आपके लिए डायग्राम बन के आएगा इस प्रश्न का, ठीक है ना। पहले आप डायग्राम बनाइए बड़े आराम से और समझिएगा बेटा प्रश्न को, ठीक है ना। हाँ जी गौरव वर्मन कह रहे हैं जय भीम मेरे भाई, जय भीम मेरे भाई। बताइए मेरे मुन्नियों अब इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, बताइए। अब आप कहेंगे मेरे भैया बहुत सुंदर सा प्रश्न है, अब इसके निष्कर्ष पढ़िए, पहला निष्कर्ष देखिए बेटा, पहला कंक्लूजन क्या दे रखा है, पहला कंक्लूजन आपसे कह रहा है कि कुछ जैम शहद हैं, कुछ जैम शहद हैं, तो देखो जैम का डायग्राम ये रहा और शहद इसमें मिला हुआ है, तो आप कहेंगे कुछ जैम शहद हैं, कुछ जैम शहद हैं, ये कैसा जाएगा, सही जाएगा। कुछ जैम क्या होंगे बेटा, शहद हैं, बिल्कुल दिख रहा है साफ साफ, तो इसको कर दीजिए बेटा सही। आपसे कह रहा है कि सभी शहद मक्खन है, शहद सभी शहद मक्खन है, तो देखो शहद और मक्खन में किसका रिलेशन है, कुछ का रिलेशन है, तो सभी का रिलेशन नहीं हो सकता। आप कहेंगे सेकंड क्या जाएगा बेटा, गलत जाएगा। दूसरा कंक्लूजन क्या होगा, गलत जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है इसको समझिए, तीसरा कह रहा है कुछ जैम मक्खन है, तो भाई जैम को और मक्खन को देखिए, जैम और मक्खन का कोई रिलेशन नहीं है, मक्खन यहां पर है और जैम यहां पर है, तो आप कहेंगे कि हां जैम और मक्खन भाई वाला भी क्या होगा, गलत होगा। तो आप कहेंगे कि इसमें जो कंक्लूजन सही जाएगा वो केवल पहला कंक्लूजन सही जाएगा, बाद बाकी जितने भी कंक्लूजन है वो सभी क्या जाएंगे बेटा, गलत जाएंगे। अब बात करते हैं ऑप्शन की, ठीक है ना, ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन किस प्रकार दे रखे हैं। तो आपसे ऑप्शन में क्या कह रखा है ये समझ लीजिएगा, आपसे कह रखा है कि केवल एक निष्कर्ष एक और दो अनुसरण करते हैं, बिल्कुल भाई। आपसे कह रहा है केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, बिल्कुल नहीं साहब। केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करते हैं, बिल्कुल नहीं। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, बिल्कुल। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष पहला ही अनुसरण करता है, बाद बाकी सभी निष्कर्ष कैसे बेटा, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, बिल्कुल क्या है, गलत है। बात समझ में आई कि नहीं आई, देखिए ये एसएससी में आया हुआ 2022 का है, ये मैंने अपने घर से नहीं बनाया बेटा प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के हैं, उन्हीं को अपने तरीकों से हम हल करने लग रहे हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल भाई, हां जी बिल्कुल मेरे मुन्नियों बात समझ में आई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। यह प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बताइए बेटा, प्रश्न गजब प्रश्न है,
बताइए भाई आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िएगा। सभी पेंसिल इरेजर हैं, ठीक है ना, सभी शॉर्पनर इरेजर हैं, बहुत सभी, सभी कंपास शार्पनर हैं, तो बताइए इन तीनों निष्कर्षों में से कौन सा सही हो जाएगा। जल्दी से बताइए भाई इन सभी निष्कर्षों में से कौन सा सही हो जाएगा, बताओ मेरे मुन्नो। बिल्कुल मेरे भाई, रिया कह रही है भैया क्लियर नहीं दिख रहा है, बेटा कोशिश करता हूं और, हां बेटा इसको और मैं बड़ा कर लेता हूं, ठीक है ना। अब देखो बिटिया बताओ मुझे जरा सा क्या सही दिख रहा है आपको। हाँ जी, ये प्रश्न है, ये कथन दे रखे हैं आपको तीन, और तीन ही आपको निष्कर्ष दे रखे हैं, बताइए बेटा। अब तो मुझे लग रहा है साफ दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है, ठीक है ना। हाँ बेटा अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से करिएगा और मुझे बताइए बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल भाई, जल्दी से बताइए बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब साफ दिख रहा है बेटा, मुझे दिख रहा है यहां से भी कि साफ दिख रहा है, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। विकास जी क्लियर सर, बहुत सुंदर मेरे भाई, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। आपसे क्या कह रहा है कि सभी पेंसिल इरेजर हैं, सभी पेंसिल क्या है बेटा, इरेजर हैं। तो देखो ये पेंसिल है और ये सभी पेंसिल क्या है बेटा, तो आप कहेंगे कि ये सारे के सारे जो पेन है वो इरेजर हैं, ये क्या हो गया इरेजर का हो गया, ठीक है बेटा। अब क्या कह रहा है, सभी शॉर्पनर इरेजर हैं, सारे के सारे शॉर्पनर है ना, देखो शॉर्पनर को मैं इस तरह लिख देता हूं, शॉर्पनर शॉर्पनर, और ये सारे के सारे शॉर्पनर क्या है, वो इरेजर है, इरेजर इरेजर है, ठीक है ना। अब आपसे क्या कह रहा है कि सभी कंपास, ये कंपास है बेटा, और सारे के सारे जो कंपास है वो शॉर्पनर है, सारे के सारे कंपास क्या है, शॉर्पनर है, देख लीजिए बेटा सारे के सारे कंपास क्या है, शॉर्पनर है। इसका मतलब यह है कि हर जगह आपने देखा कि देखो यहां पर इरेजर बराबर पे हैं और यहां पर शॉर्पनर्स हैं, यहां पर इरेजर है और ये शॉर्पनर है, तो इनका क्या हो गया, आपस में इंटरलिंक हो गया सभी का, सभी का क्या हो गया बेटा, इंटरलिंक हो जाएगा। मतलब आप कहने लगेंगे, आप कथन को पढ़ेंगे सबसे पहले कि सभी कंपास इरेजर हैं, तो भाई कंपास और इरेजर में देखिए ये कंपास है और इरेजर ये है, तो क्या सभी कंपास इरेजर हैं, बोलिए मेरे भाई। बहुत बढ़िया प्रश्न बनाया इसने, बहुत बढ़िया प्रश्न इसने बनाया हुआ है, बोलिए भाई। तो देखो इसका संयुक्त रूप से कैसे बनाएंगे वो समझिए, कि सभी पेन जो हैं, ये पेन हो गया और सबसे पहला पढ़ेंगे सारे के सारे पेन क्या है, इरेजर हैं, ठीक है ना, ये इरेजर हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है कि जितने भी इरेजर हैं वो सभी शॉर्पनर हैं, शॉर्पनर ही सभी क्या है, इरेजर हैं। तो अब आप कहेंगे कि इसको रख देता हूं मैं, शॉर्पनर को यहां रख देता हूं, ये क्या है, शॉर्पनर है भाई, इसका तो दोनों में संबंध नहीं होना चाहिए लेकिन इसको अलग रख दिया मैंने, ठीक है। फिर आपसे क्या कह रहा है कि सारे के सारे जो कंपास हैं, जितने भी कंपास हैं वो क्या है, शॉर्पनर हैं, ठीक है ना। तो ये शॉर्पनर था, इसके अंदर क्या रखना पड़ेगा, कंपास, ये क्या है, कंपास है। तो ये परफेक्ट फिगर बनेगा आपके सामने, इसको थोड़ा सा बड़ा बना दूं बेटा, बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जगह तो बची नहीं है, लेकिन ये बेटा आपके क्या है, पेंसिल है और ये क्या है, कंपास है, कंपास के ऊपर शॉर्पनर है, ठीक है ना, कंपास के ऊपर क्या होगा बेटा, शॉर्पनर होगा, ठीक है ना, और इरेजर सबके ऊपर ये रहा, सबका इरेजर ये रहा। अब आप देखिए इसके अलावा बाद बाकी सबको भूल जाइए, ठीक है ना, अब इसके अलावा कुछ नहीं। अब आप देखिए सभी कंपास इरेजर हैं, तो भाई देखो कंपास ये रहा, सारे कंपास जो इरेजर हैं बिल्कुल सही है, ये पहला क्या जाएगा, सही जाएगा। कुछ कंपास पेंसिल हैं, कंपास में और पेंसिल में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये क्या है भाई साहब, गलत माना जाएगा, ये क्या होगा, गलत माना जाएगा। कुछ इरेजर कंपास हैं, इरेजर और कंपास में कुछ का रिलेशन बिल्कुल सही होगा, ये क्या जाएगा बेटा, सही जाएगा। हम कहेंगे कि पहला और तीसरा क्या होगा, सही होगा, पहला व तीसरा क्या होगा बेटा, तीसरा, पहला और तीसरा जो कंक्लूजन है वो कैसे माने जाएंगे, सही माने जाएंगे। अब आप देखते हैं ऑप्शन पर बात करते हैं कि ऑप्शन हमसे क्या चाह रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन क्या चाह रहा है। तो ऑप्शन में कह रहा है कि आप ये बताइए कि पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, बिल्कुल यही करता है, बात ही खत्म हो गई,
ठीक है ना। हमने जो भी आंसर निकाला है, क्या निकाला है, पहला या तीसरा अनुसरण करता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बोलिए बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो मेरे मुन्ने हो, बात समझ में आई है या नहीं आई, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। हाँ वन या तीन, बिल्कुल सही, वन या तीन कह रहे हैं, सक्सेस लवर भी कह रहे हैं इस बात को, विकास भी कह रहे हैं, बहुत सुंदर बेटा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगले में प्रश्न पर बात कर रहा हूं, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। यह बेटा कथन है आपके सामने, और यह क्या है, इसका निष्कर्ष है। कथन और निष्कर्ष को अच्छे से देख लीजिए आप, कथन को और निष्कर्ष को अच्छे से देखिए मेरे मन्यो, कथन और निष्कर्ष आपको बहुत साफ साफ दिख रहा होगा, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा ये आपके सामने, मुझे आंसर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए मेरे मन्यो, बोलो मेरे भाई क्या आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। सभी किताबें कॉपियां हैं, कोई कॉपी पेन नहीं है, बहुत बढ़िया, कुछ इरेजर किताबें हैं, बहुत सुंदर भाई, ठीक है ना। आपसे कह रहा है सबसे पहला जो निष्कर्ष है, कुछ कॉपियां इरेजर हैं, कुछ पेन किताबें हैं, और कोई इरेजर पेन नहीं है, ठीक है ना। ये सारे के सारे कंक्लूजन दे रखे, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाए। हाँ जी जल्दी से बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे मुन्ने, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि सभी किताबें पेन हैं, देखो सभी बुक्स जो हैं, बुक्स के बारे में कह रहा है कि सारी की सारी बुक्स वो क्या है, पेन है, ठीक है साहब, ठीक है ना। कोई कॉपी पेन नहीं है, सभी किताबें, किताबें क्या है बेटा, पेन है, और कोई कॉपी पेन नहीं है, ये भाई कॉपी है, कॉपी और पेन में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। कुछ इरेजर किताबें हैं, तो इरेजर को इसके साथ ही रखेंगे, ये क्या है, इरेजर है, ये क्या है बेटा, इरेजर है। तो इस तरीके का डायग्राम इसका बन के आएगा, इरेजर और बुक में, भाई यही तो कह रहा है किताबों में, तो किताब और इरेजर में सम का रिलेशन, और इसके ऊपर क्या है, सबसे ऊपर पेन है, ठीक है ना, क्योंकि इसने कहा था सभी किताबें कॉपियां हैं, सभी किताबें कॉपियां, एक मिनट सुनो बेटा, इसने कहा है कि सभी किताबें, तो बुक्स ये रही बेटा, और ये सारी की सारी जो बुक्स हैं, ये सारी की सारी जो बुक्स हैं वो क्या है, कॉपी हैं, ये कॉपी है, ठीक है ना। कोई कॉपी पेन नहीं है, कॉपी और पेन में कोई रिलेशन नहीं है, ये पेन है, इसमें भी नो और नॉट का, और इसमें भी नो और नॉट का रिलेशन है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि कुछ इरेजर किताबें हैं, कुछ इरेजर, तो इसके साथ इरेजर को ऐसे रखा जाएगा, इसको काटता हुआ इरेजर जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो ये डायग्राम बन के आएगा परफेक्टली इन सबके बीच में, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई अच्छे से, ठीक है, ये डायग्राम बन के आएगा। अब आप देखिए इनमें से कौन सा सही होगा। पहला कह रहा है कि कुछ कॉपियां इरेजर हैं, कुछ कॉपियां और इरेजर में कुछ का रिलेशन बनेगा, बिल्कुल बनेगा भैया, अपने आप ही बन गया, तो यह कैसा माना जाएगा, सही माना जाएगा। कुछ पेन जो है किताबें हैं, कुछ पेन, तो पेन ही रहे बेटा, किताब ही रहे, इनमें तो नो का रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन हो ही नहीं सकता, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब आपसे कह रहा है अगला, कोई इरेजर पेन नहीं है, इरेजर और पेन के बीच में कोई का रिलेशन नहीं बनेगा, किसका बनेगा, सम का रिलेशन बनेगा, इसलिए यह भी क्या गया, गलत गया। तो आप कहेंगे कि केवल पहला ही अनुसरण कर रहा है, बाद बाकी सभी क्या गए, गलत गए। एक बार देख लीजिए मेरे मुन्ने, बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताइए बेटा, जल्दी से बताइएगा बात समझ में आई है या नहीं आई। गौरव चौथे का एक और तीन फॉलो करता है, एक और तीन, कोई का रिलेशन नहीं है भाई, कोई का रिलेशन इसके बीच में है, इनके बीच में तो कुछ का रिलेशन है, ठीक है ना। चलो ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन में क्या कह रहा है, फिर लौट के आ जाएंगे ऐसी कोई बात होगी तो। ऑप्शन में क्या कह रहा है समझ लीजिए, आपसे कह रहा है सेकंड अनुसरण करता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करते हैं, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा।
तो इसके बाद जो ऑप्शन सही हो गया वो डी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा नहीं, क्या होगा बेटा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ क्या कह रहे हैं बेटा, एक बार मैं कमेंट पढ़ लूँ आपकी, विकास क्या कह रहे हैं, थर्ड नहीं है, ठीक है ना, क्या नो का रिलेशन उसके नीचे नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो कुछ का रिलेशन जाएगा, कुछ ए बी नहीं है, इस टाइप का रिलेशन जा रहा होगा, ठीक है ना। बिल्कुल भाई, चलिए अगला प्रश्न देखिए, और यह प्रश्न आपके सामने है, यह प्रश्न बेटा कौन सा है, पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पांच देखिए, ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर पांच को मैं बड़ा कर रहा हूं, और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर पांच का आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, पांच है, ये क्वेश्चन नंबर पांच, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपसे कह रहा है कभी के, सभी अच्छे से कह रहा है कि जी सभी चींटियां भौरे हैं, सभी चींटियां क्या है बेटा, भौरे हैं, बहुत बढ़िया, कोई भौरा मेढक नहीं है, बहुत सुंदर भाई, कुछ मेढक खटमल हैं, कुछ मेढक क्या है, खटमल, बोलिए भाई, पहले डायग्राम बनाइए अच्छे से, बहुत शांति से बनाइएगा डायग्राम, और फिर इसके बाद में बात करते हैं, पहले आप डायग्राम बनाइए बेटा, इसके बाद बात करते हैं। हाँ जी, पहले मन से डायग्राम बनाइएगा बेटा, और फिर बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट करते रहिए मेरे मन्ने, कमेंट करते रहिए, और बताइए अच्छे से, देखिए प्रश्न को और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है, 25/5/2022 को शिफ्ट पहली में आया हुआ ये प्रश्न है, बताओ बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बड़े आराम से करिए, बहुत जल्दबाजी नहीं है, बताइए मेरे मन्ने इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो डायग्राम बना लेते हैं, सभी चींटियां, तो बेटा ये क्या है, चींटी है, ये क्या है, चींटी, और ये सारी की सारी जो चींटी हैं वो क्या है, भौरे हैं, ये क्या है, भौरे हैं, बहुत सही, कोई भौरा मेढक नहीं है, भौरे में और मेढक में ये आ जाएगा, मेढक, ये मेढक है भाई, भौरे में और मेढक में नो का रिलेशन होगा, बिल्कुल सही, कुछ मेढक, अब मेढक और कुछ का रिलेशन इसके बीच में हो गया, खटमल है, ये क्या है, खटमल है, ठीक है ना, इनके बीच में नो का रिलेशन हो गया और इसके बीच में कुछ का रिलेशन हो गया, ठीक है ना। अब आपसे क्या कह रहा है, कुछ खटमल चीटियां हैं, खटमल ये रहा और चीटी अरे ये रही, कोई भी रिलेशन है ही नहीं तो खत्म करिएगा, ठीक है ना। आपसे कह रहा है कोई खटमल भौरा नहीं है, खटमल और भैरा इसमें कोई का रिलेशन नहीं होगा, बिल्कुल गलत, ठीक है ना। आपसे कह रहा है कोई मेढक चीटी नहीं है, मेढक और चीटी, कोई मेढक चीटी नहीं है, इनके बीच में जो रिलेशन हो जाएगा वो नो का हो जाएगा, ये सही है, क्योंकि नेगेटिविटी अंदर आ जाएगी बेटा, ठीक है ना, नेगेटिविटी क्या होगी, अंदर आ जाएगी, जो रिलेशन भौरा के साथ है मेढक का, वही सारे के सारे रिलेशन जो चीटी के साथ हो जाएंगे, चारों रिलेशन, दो कुछ के और दो कोई नहीं के, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि हाँ इनका और इनका नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा, इसलिए क्या है, केवल तीन ही अनुसरण करेगा, ऑप्शन तीन आपका अनुसरण करेगा, बाद बाकी सभी क्या होंगे बेटा, गलत होंगे, एक बार देख लीजिए और बताइए बात सही या गलत, देख लीजिए मेरे मुन्ने और मुझे बताइएगा बात सही है या गलत है, कोई भी डाउट हो आप बताइएगा, पांच में के दो और तीन, नहीं भाई केवल तीन ही सही होगा, दो नहीं सही होगा, दो में यहां कुछ होता, ठीक है ना, यहां क्या होता बेटा, यहां कुछ होता, कुछ खटमल भौरे नहीं है तो यह सही हो जाता, ठीक है ना, फिलहाल की स्थिति में यह है, यह क्या है, गलत है, केवल तीसरा ही सही होगा, ठीक है ना। देख लेते हैं आगे ऑप्शन में क्या कह रहा है, आपसे ऑप्शन में कह रहा है कि आपको बताना है, आपसे कह रहा है कि केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, आपसे कह रहा है केवल थर्ड अनुसरण करता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है। आगे कह रहा है कि निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, एक और थर्ड दोनों अनुसरण करते हैं, तो हमारा कौन सा सही जाएगा बेटा, बी ऑप्शन हमारा सही जाएगा, केवल तीसरा ही अनुसरण करता है, बाद बाकी सभी के सभी क्या है, गलत है, ठीक है ना। हां बेटा चलिए
अगला प्रश्न देखिए और बताइए, अगला प्रश्न आप देखिए, छठवां प्रश्न ये आपके सामने है, और बताइए मेरे मुन्नियों कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, बताइए बेटा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, अच्छे से देख लीजिएगा और बनाइए डायग्राम और बताइए मुझे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। हाँ जी अर्जुन, नमस्कार मेरे भाई, अर्जुन कुमार कह रहे हैं, नमस्कार सर भाई, नमस्कार मेरे बंधु मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया विकास जी, बहुत अच्छे तरीके से ये हमने तैयार किए हैं आपके लिए क्वेश्चन, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के निकाले हुए ये प्रश्न हैं, ठीक है ना, और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे बेटा ये, ठीक है, बस बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, अच्छे से डायग्राम बना लीजिए, बहुत शांति से डायग्राम बनाइएगा, फिर आप निष्कर्ष निकालिएगा, बहुत जल्दबाजी में मत रहना बेटा, जल्दबाजी में रहोगे तो अक्सर प्रश्न जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं रहना, आप बस शांति से समझिए पहले कि इसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या कर सकते हैं, बस उस तरीके से आप इसको देखिएगा। ठीक है बेटा, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, दीजिए बेटा, ओनली फर्स्ट विकास जी कह रहे हैं, ओनली फर्स्ट फॉलो कर रहा है, बिल्कुल चेक करते हैं मेरे भाई, छठवें का पहला, बिल्कुल देखिए इसमें क्या कह रहा है, सभी तकिए पलंग हैं, तो देखो ये हो गया तकिया, ठीक है ना, ये तकिया हो गया, तकिया हो गया, और ये सारे के सारे तकिए क्या हैं, पलंग हैं, बहुत बढ़िया भाई, कोई मेज पलंग नहीं है, पलंग में और टेबल में भाई अंतर हो गया, ठीक है ना, ये क्या है, मेज है, ठीक है ना, इनमें नो का और नॉट का रिलेशन हो गया, लेकिन अंदर भी जाएगी नेगेटिविटी, ठीक है ना, आपसे कह रहा है कि कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ मेज जो है वो क्या है, कुर्सी है, कुछ मेज क्या है भाई साहब, कुर्सियां हैं, ठीक है, अब आप समझिएगा आपसे क्या कह रहा है, कोई तकिया मेज नहीं है, तो मैंने बताया कि तकिया और मेज में जो इसमें रिलेशन होगा आपका, किसमें, जो आपका पलंग में चार रिलेशन होंगे वही चार रिलेशन मेज के साथ इसके भी होंगे, ठीक है ना, तो आप कहेंगे ये कोई तकिया मेज नहीं है, ये बिल्कुल सही जाएगा बेटा, ठीक है ना, कुछ कुर्सियां तकिया हैं, कुर्सियां और तकिया में बताइए कोई रिलेशन है, नहीं है, तो बिल्कुल हाँ, इसको देखिए पहले, कुछ का रिलेशन तो देखो, अगर नेगेटिविटी यहां है तो यहां कुछ भी हो जाएगी, कुछ के लिए तो नेगेटिविटी हो जाएगी भाई, ठीक है ना, तो ये क्या चला जाएगा, कुछ शब्द लगा हुआ है, कोई नहीं शब्द होता अगर यहां पर, मैंने अभी बताया था आपको पिछले प्रश्न में कि अगर यहां कोई नहीं शब्द होता, कोई तकिया मेज नहीं है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता, बाद बाकी कुछ की स्थिति में ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना, आगे देखिए, कोई पलंग कुर्सी नहीं है, पलंग में और कुर्सी में संबंध देखिए, कुर्सी ये रहा बेटा और पलंग नहीं रहा, कोई नहीं का रिलेशन नहीं होगा, मैंने अभी बताया आपको, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि छठवें प्रश्न में जो फॉलो कर रहे हैं बेटा वो फर्स्ट और सेकेंड फॉलो कर रहे हैं, बाद बाकी तीसरा क्या हो गया, गलत हो गया, बताइए बहुत शांति से और तर्क करिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए खूब कि क्या इसमें रिलेशन, क्यों नहीं हटा रहे उसको, क्यों हटा रहे उसको, ये आपका पूछने का अधिकार है और मेरा बताने का अधिकार है, ठीक है ना, तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे, बड़े आराम से पूछिए, कोई परेशानी नहीं होगी, मैं आपके कमेंट विजुअल हो पा रहे हैं, सारे के सारे मुझे दिख रहे हैं सभी कमेंट, बताते रहिएगा मुझे बेटा, ठीक है ना, अगर समझ में आया तो यस है बेटा, ओके है तो मैं आगे बढ़ू, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए मुझे, ठीक है, चलिए भाई अगला, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन करते हैं, सी ऑप्शन आपका सही चला जाएगा, ठीक है, अगला देखिए बेटा, अगला प्रश्न आपके सामने सातवां प्रश्न, सातवें प्रश्न का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा, सातवां प्रश्न ये रहा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, सात है, क्वेश्चन नंबर सात को अच्छे से पढ़िएगा देखिएगा और समझिएगा, ये क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, ये सात है, सात का मुझे बताइए इनमें से कौन कौन से सही हो जाएंगे, यह बहुत अभ्यास करना पड़ता है मेरे भाई, बहुत ज्यादा अभ्यास करना पड़ता है तब ये कुछ सही निकल के आते हैं, मैं एक बार कमेंट पढ़ लूं, सर आपकी बैच की, बेटा हमारे बैच की जो फीस है मात्र 399 रुपए है, ठीक है ना,
मात्र 399 रुपये फीस है बेटा यूपी पुलिस के लिए जो हमने बैच चला रखा है उसमें ये सारी चीज़ें मैं करा रहा हूँ। 399 रुपये में वो बैच आप परचेज कर सकते हो। आप डाउनलोड कर लीजिएगा शारदा एग्जाम ऐप, ठीक है ना। शारदा एग्जाम जैसे ही आप प्ले स्टोर पर लिखोगे, शारदा एग्जाम जैसे ही लिखोगे प्ले स्टोर पर, हमारा एप्लीकेशन निकल के आ जाएगा। लोगों में हिंदी में शारदा लिख रहा होगा, लोगो होगा ऐसे और उसमें ऐसे शारदा लिख रहा होगा और यहां पर एग्जाम, ठीक है ना। तो इसकी फीस बेटा 399 रुपये, बहुत बड़ी फीस नहीं है, बहुत कम फीस में आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, ठीक है। बताइए बेटा, आपसे कह रहा है कि सभी पौधे साक हैं। सभी पौधे क्या हैं भाई? ये पौधे रखिएगा, ठीक है ना, और ये सारे के सारे पौधे क्या हैं? साक। ये क्या है? साक है, ठीक है ना। कुछ साक पेड़ हैं, केवल पेड़ का और साक का, ठीक है ना। ये क्या है? पेड़ है। ये क्या है बेटा? पेड़ है। साक और पेड़ का ही कुछ का संबंध है, अपनी तरफ से पौधे से मत लगा दीजिएगा संबंध, ठीक है ना। ये विशेष ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब आपसे कह रहा है अगला कह रहा है कि सभी पेड़ झाड़ियां हैं। सारे के सारे जो पेड़ हैं, ये जो पेड़ दिख रहे हैं वो सभी क्या हैं? झाड़ियां हैं। वो सभी क्या है बेटा? झाड़ी। ये सभी क्या हैं? झाड़ियां, ठीक है ना। अब देखिए, मैंने जो गोला खींचा है जो पेड़ के ऊपर, उसको टच नहीं होने दिया पौधे से, क्योंकि मुझे पता है कि पौधे से कोई संबंध है ही नहीं, तो टच करना नहीं है मुझे। हाँ, लेकिन इसके ऊपर लेके आऊंगा तो भाई अपने आप ही कुछ साक जो है वो क्या हो जाएंगी? झाड़ियां हो जाएंगी, अपने आप ही हो जाएंगी, ठीक है। अब आप देखिएगा यहां पर, अब आपसे क्या कह रहा है कि कुछ झाड़ियां पौधे हैं। तो भाई देखो, पौधे और झाड़ी का कोई संबंध है क्या? तो आप कहेंगे नहीं संबंध है, बिल्कुल गलत है। आपसे कह रहा है कि कुछ झाड़ियां साक हैं, तो भाई झाड़ियां और साक में संबंध देखिए। हां, कुछ झाड़ियां साक अपने आप हो गई थी, यही आपका सही होगा। आपसे कह रहा है कि कुछ पेड़ पौधे हैं, तो भाई पेड़ और पौधे का कोई संबंध है? नहीं है। यह क्या जाएगा? गलत जाएगा। तो आप कहेंगे कि केवल जो अनुसरण करता है वो सेकंड अनुसरण करता है, सात का दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना। केवल सेकंड अनुसरण करता है। बताइए मेरे भाई, आज कमेंट इसमें नहीं दिख रहे हैं इसलिए बार बार पढ़ने आने पड़ रहा है यहां पर। मोहब्बत गुलतान भी होगा भैया, बहुत सुंदर भाई। हाँ जी बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल भाई अर्जुन कुमार जी, बिल्कुल ये सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। चलो, बात समझ में आई कि नहीं आई मुझे ये बता दीजिए, ठीक है। अगर बात समझ में आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब देखो, सात का सेकंड है, इसमें चेक भी कर लेते हैं, ऑप्शन भी दिए होंगे आगे। सात का सेकंड अनुसरण करता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे मुन्नियों? तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या होगा इसका? सही हो जाएगा। केवल सेकंड अनुसरण करता है, ठीक है ना, केवल सेकंड ही अनुसरण करेगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए मेरे मुन्नियों, आगे बात करते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? यह प्रश्न आपके सामने बेटा, जल्दी से बताइएगा मेरे मुन्नियों कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। यह प्रश्न आपके सामने है, बताइए बेटा। आपसे कह रहा है सभी सारस भालू हैं, कुछ बाघ सारस हैं, सभी स्यार बाघ हैं, ठीक है ना। फिर आपको निष्कर्ष दे रखे हैं बेटा, निष्कर्ष क्या दे रखे हैं? कुछ भालू बाघ हैं, सभी स्यार भालू हैं, कुछ स्यार भालू हैं, इनमें से कौन सा सही हो सकता है? आप बताइएगा जल्दी से, बिल्कुल बताइए मेरे भाई। हेलो सर, हेलो भाई, हेलो, बताइए बेटा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर प्रश्न है, बड़े तरीके से बनाइएगा, बहुत शांति से बेटा। सभी सारस भालू हैं, तो ये हो जाएंगे बेटा सारस, और ये सारे के सारे सारस क्या हैं बेटा? भालू हैं, तो ये हो जाएगा भालू का, ठीक है ना। कुछ बाघ सारस हैं, कुछ बाघ ऐसे हैं जो सारस हैं, तो इसके अंदर ही आ जाएगा, तो ये क्या हो गया? बाघ का, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है कि सभी स्यार जो हैं, जितने भी स्यार दिख रहे हैं वो सभी क्या हैं? बाघ हैं। सारे के सारे जो स्यार हैं वो क्या हैं? बाघ हैं। तो मतलब आप कहेंगे कि स्यार भी इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे स्यार क्या हैं? बाघ हैं। ये डायग्राम बन के आएगा मेरे मन में, ये डायग्राम बन के आएगा इसके सामने, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। जब ये डायग्राम आपके सामने बन जाएगा, अब आपसे पूछेगा कुछ भालू बाघ हैं, तो आप कहेंगे कि भालू जो है, ये भालू ये रहा, और ये क्या है बेटा? बाघ है। इनमें कुछ का रिलेशन अपने आप ही होगा, ये सही जाएगा बेटा। सभी स्यार भालू हैं, तो भाई देखो स्यार ये रहा, सारे के सारे स्यार जो हैं वो क्या हैं? भालू हैं। सारे स्यार जो भालू हैं, बिल्कुल ये भी सही जाएगा,
ठीक है ना। कुछ श्यार भालू हैं, कुछ श्यार भालू, ये भी सही जाएगा। मतलब आप कहेंगे कि तीनों इसमें सही जाएंगे। आप कहेंगे कि आठवें का जो आंसर होगा फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों फॉलो करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों फॉलो करते हैं, तीनों ही इसके सही जाएंगे। अब अगर कोई डाउट हो बेटा तो बता दीजिए। बिल्कुल विकास जी कह रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड भैया तीनों सही जाएंगे, बहुत सुंदर मेरे भाई, बिल्कुल सही है बेटा। चलिए हाँ बेटा, इसने दे रखा है फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड दे रखा है, सेकंड फर्स्ट सेकंड, लेकिन हमारे तो तीनों ही सही हैं भाई, ठीक है ना। इसने कुछ भी आंसर दे रखा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। यह प्रश्न आपको देखिए, इसमें बताइए आपसे कह रहा है कुछ बारिश चक्रवात हैं, कुछ चक्रवात प्रवात हैं, कोई भी प्रवात गरज नहीं है। बहुत बढ़िया भाई साहब, नए नए शब्द निकाले इसने तो। कुछ चक्रवात बारिश हैं, कोई भी गरज चक्रवात नहीं है, कोई भी प्रवात बारिश नहीं है। बहुत सुंदर भाई, बिल्कुल नए शब्द आपको सुनने को मिले होंगे, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ जी बताइए भाई विकास जी, सभी बताएं मेरे मुन्नियों, मोहम्मद गुलशान जल्दी बताइए बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा। डायग्राम बनाया करो बड़ी शांति से, बहुत जल्दबाजी में मत किया करो, ये तुक्के के प्रश्न नहीं है, इनका एक लॉजिक होता है परफेक्टली, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ऐसे तुक्का लगा के आगे बढ़ जाओ, बड़े शांति से होते हैं ये प्रश्न। आपसे कह रहा है कि कुछ बारिश चक्रवात है, ठीक है ना। अगर मैं बारिश की बात करूं बेटा, ये में बारिश है, ये क्या है बारिश, और ये बारिश जो है कुछ बारिश जो है वो क्या है चक्रवात है, तो कुछ का रिलेशन हो गया ये चक्रवात है बेटा, ठीक है ना। आपसे कह रहा है कि कुछ चक्रवात, कुछ चक्रवात वो क्या है साहब, कुछ चक्रवात की कह रहा है कि प्रवात है भाई साहब, बहुत बढ़िया, और कोई भी प्रवात गरज नहीं है। ध्यान रखना इसमें और इसमें नो और नॉट का रिलेशन हो गया, किसके किसके साथ, तो ये प्रवात के साथ, प्रवात के साथ नो और नॉट का रिलेशन इसका हो गया, ठीक है ना। अब आप देखिए आपसे कह रहा है कि कुछ चक्रवात, कुछ चक्रवात बारिश हैं, तो कुछ चक्रवात बारिश हैं, बिल्कुल सही है बेटा। कुछ चक्रवात क्या होंगे, बारिश होंगे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी बदल गया, बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है ना। कोई भी गरज, कोई भी गरज चक्रवात नहीं है, कोई भी गरज जो है वो चक्रवात नहीं है, ये गरज है बेटा, ये क्या है गरज। अब आपसे कह रहा है कि कोई भी गरज चक्रवात नहीं है, गरज और येरा चक्रवात येरा, तो इसमें कोई का रिलेशन नहीं होगा, अगर यहां कुछ होता तो रिलेशन पाया जाता, इसलिए क्या हो गया बेटा गलत हो गया। कोई भी प्रवात, कोई भी प्रवात बारिश नहीं है, तो बारिश और इसका तो कोई संबंध है नहीं, यह भी क्या हो गया गलत चला गया, इसलिए केवल अनुसरण जो करता है वो नौका केवल एक अनुसरण करता है, फर्स्ट ही सही है, ठीक है ना। तो आप कह देंगे भैया कि एक क्वेश्चन नंबर नौका जो है वो केवल एक ही अनुसरण करता है, बाद बाकी सभी क्या है गलत है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, अगर बात समझ में आई है तो बेटा एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को और अपने साथियों तक, हाँ जी बिल्कुल अपने साथियों तक पहुंचा दीजिए मेरे मुन्ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, लेकिन समय भी हो गया उससे पहले, तो भाई अब नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रखे जा रहा हूं, इसका तो बेटा पहला हो गया सही है ना। अब इसका देखिए बेटा, इस प्रश्न को मैं आपके सामने रखे देता हूं, अब हिंदी की क्लास होगी मेरे मुन्नियों, तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। ये प्रश्न आपके सामने, जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए।